हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस ला शील्ड का फिसिको सन स्क्रीन। इट्स बीन आई थिंक 15 to 20 days सिंस आई वॉज टेस्टिंग दिस आउट। ली तो मैंने पिछले महीने की थी, बट फाइनली मैंने इसको टाइम दिया है बिकॉज इफ यू हैव सीन माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दिस सनस्क्रीन, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी थी। सो आई एम गोना शेयर कि अब इतने टाइम यूज़ करने के बाद मेरे वर्ड्स क्या हैं। सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस तरह की पैकिंग में आती है जिसपे ऑलमोस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैंशनड होता है। एंड ये है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग। नो इट्स अ 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 650 रुपीज, विच इज़ लाइक फाइन बिकॉज सनस्क्रीन मोस्टली इसी रेंज की आती हैं। नाउ इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन, इसके अंदर कोई भी केमिकल फिल्टर्स नहीं डले हुए हैं। इट हैज़ SPF 50+ एंड PA 3+। इट्स अ मैट सनस्क्रीन जेल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इट्स अ वाटर रेजिस्टेंट अप टू 8 आवर्स। नाउ इसके अंदर क्या डाला हुआ है, 25% ऑफ माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड। फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट भी अगर आप इसकी चेक करते हो तो उसमें भी आपको ऑन द टॉप जिंक ऑक्साइड ही मिलता है। देन इसमें एक मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट डला हुआ है, कुछ फैटी एसिड्स डले हुए हैं एंड काफ़ी सारे इसके अंदर 3-4 तरह के सिलिकॉन्स डले हुए हैं एंड लास्ट में एक टेक्स्चर एनहांसर और एक वाइटामिन ई डली हुई है। That is it. उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, कोई इसके अंदर कलर ऐड नहीं किया गया है। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो एज इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड जेल, तो सिलिकॉन जैसा ही इसका टेक्सचर है, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा लाइट है। इनिशियली जब मैंने इसको टेस्ट आउट किया था मुझे ये बहुत वियर्ड सा टेक्सचर लगा था और हल्का सा मुझे इसमें से वियर्ड सा स्मेल भी आ रहा था, बट देन यू नो बाय द टाइम जब मैंने इसको अभी 10 दिन से जब मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, रीअप्लाई कर रही हूँ, तो आई फाउंड कि ये मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तब थोड़ी सी हैवी आपको फील हो सकती है, बट आफ्टर सम टाइम ये मैट फिनिश में आ जाती है तो उसके बाद ये हैवी फील नहीं होती है एंड टेक्सचर मुझे काफ़ी प्यारा लगा, स्मूथ फील हो रहा है। बट एक होता ना कि प्रेफरेंस की बात आती है कि अगर आप मुझसे पूछो कि वेदर आई विल चूज द सिलिकॉन बेस और आई विल चूज जेल क्रीम कंसिस्टेंसी, तो फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस जेल क्रीम कंसिस्टेंसी का ही होगा। बट जेल क्रीम में आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल सनस्क्रीन नहीं मिलती हैं। फिजिकल सनस्क्रीन या तो आपको वो हैवी टेक्सचर के साथ मिलेंगी विद हैवी वाइट कास्ट और आपको मिलेंगी इस तरह की सिलिकॉन जेल वाली कंसिस्टेंसी में। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन, हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन, मुझे कोई क्लोज कॉमेडॉन वाली प्रॉब्लम इसके साथ नहीं फेस हुई है। आईज में भी स्टिंग नहीं करती है और काफ़ी अच्छे से रीअप्लाई हो जाती है और पील भी नहीं होती है, तो इट्स गोना बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन बताओ, सो इट इज़ अ फिजिकल सनस्क्रीन और बजट में भी है तो इट इज़ अ प्रेगनेंसी सेफ बिकॉज इसमें एज सच कोई केमिकल फिल्टर नहीं डला हुआ है। इट्स अ कम्प्लीटली अ फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन, सो आप इसको बिना किसी झिझक के यूज़ कर सकते हो। तो मैंने टेस्ट कर लिया है, कोई कॉमेडॉन्स नहीं हुए हैं, सो येस यू कैन गो फॉर दिस वन एंड येस इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन, आई विल रिकमेंड दिस। सो दैट इज इट गाई, दैट्स ऑल अबाउट माई क्विक एक्सपीरियंस ऑन दिस सनस्क्रीन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।